तो दोस्तों नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आज हूं दोस्तों एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, हाईवे लोकेशन ये होने वाली है और इस हाईवे लोकेशन पे एक इकलौती प्रॉपर्टी है जो आपको मिलने वाली है रेडी टू मूव। आप आज इसको फाइनल करें और दोस्तों इमीडिएट रजिस्ट्री कराएं। तो आप मेरे पीछे व्यू देख ही रहे हैं दोस्तों, कितना प्यारा व्यू देखिए, पूरा आपको ग्रेटर मोहाली के व्यू, हाईवे के व्यू दिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी 1750 के रेट में बना हुआ आपको 3 BHK फ्लैट मिलने वाला है। 3 BHK तो दोस्तों मैं इसको कह रहा हूँ, बट आप इसको 4 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी दोस्तों जितने भी हमारे भाई बहन हिमाचल, जम्मू, पठानकोट और पंजाब के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको जल्दी से देखें और चलिए चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ इस फ्लैट के अंदर और बहुत ही प्यारा बना हुआ, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो आगे दोस्तों हम एक और बहुत ही प्यारी इन्वेंट्री पे जो आपको मिलने वाली है, हमारा रोपड़ हाईवे जिसको मनाली हाईवे भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको 3 BHK दोस्तों फ्लैट मिलने वाला है। 1750 स्क्वायर फीट में बना हुआ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा और यहाँ पे कॉर्नर यूनिट भी अवेलेबल है, तो आप इसको जल्दी से देख सकते हैं। एक दोस्तों फ्लोर पर आपको 2 ही फ्लैट मिलते हैं, फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 2 फ्लैट आपको मिलते हैं आमने सामने और 2 दोस्तों आपको लिफ्ट भी मिल जाती है। तो ये 7 फ्लोर का दोस्तों अपार्टमेंट ये होने वाले हैं। आज आपको इसका दिखाऊंगा पूरा ओवरव्यू। सबसे पहले देखिए आप एंट्रेंस के व्यू और इसमें आपको 2 लिफ्ट भी मिल जाती है। देखिए जितनी स्टेयर्स है वो ग्रेनाइट के साथ मिलती है आपको, स्टील रेलिंग के साथ, और ये आपकी 2 दोस्तों लिफ्ट मिल जाती हैं। तो बहुत ही प्यारे दोस्तों बने हुए, इकलौते ऐसे ये दोस्तों प्रॉपर्टी होने वाली है जो हाईवे मनाली हाईवे पर आपको मिलती है, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर, और पोजेशन रेडी है। आप आज इसको विजिट करें, आज फाइनल करें और दोस्तों इमीडिएट रजिस्ट्री भी कराएं। तो एंट्रेंस पे दोस्तों आपको ये मिल जाती है बहुत बड़ी बालकनी। तो इस बालकनी का जो साइज़ होने वाला है वो है 17x3 का और ये हमारी बहुत ही वाइड एंट्रेंस मिल जाती है हमारे फ्लैट की। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और एंट्रेंस पे दोस्तों आ जाता है हमारा ये लॉबी एरिया, जो लॉबी एरिया का साइज़ होने वाला है वो है 11x11 का। आप अपना यहाँ पे दोस्तों डाइनिंग टेबल लगाएं और ये देखिए डाउन सीलिंग के व्यू बहुत ही प्यारे आपको LED लाइट्स के साथ एज इट मिलने वाले हैं। दोस्तों ये वाला फ्लैट आपको एज इट इज मिलेगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी को मिल जाती है आपकी मॉड्यूलर किचन, जितनी भी दोस्तों आप डाउन सीलिंग देख रहे हैं, फॉल सीलिंग देख रहे हैं, LED लाइट्स देख रहे हैं, आपको ये एज इट इज मिलने वाली है। और ये किचन का जो आपको साइज मिलता है वो है 10x6 का। आपको चिमनी की स्पेस बना के दी जा रही है और RO की प्रोविजनिंग आपको दोस्तों गीजर की प्रोविजनिंग करके दी जा रही है। ये आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए और ये आपको डबल सिंक भी मिल जाता है। और ऊपर देखिए दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट बहुत ही प्यारा लग रहा है और जितनी भी आपकी सैनिटरी फिटिंग है सारी पेरीवेयर ब्रांड की होने वाली है। तो ये आपको मॉड्यूलर किचन एज इट इज मिलने वाली है। तो ये देखिए आप मॉड्यूलर किचन के व्यू, तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ सारी आपको किचन मिलती है, बहुत ही प्यारी दोस्तों डिजाइन करी हुई। तो ये आपकी मॉड्यूलर किचन एज इट इज आपको मिलने वाली है। देखिए कितने बड़े बड़े दोस्तों आपको ड्रॉअर मिलते हैं और ये आपकी मॉड्यूलर किचन। और इसी में आपको ये आपका फिर से आगे हम लॉबी एरिया में, और इसी में आपको मिल जाता है आपका लिविंग एरिया, ड्रॉइंग एरिया, और ये देखिए इसके ऊपर भी फॉल सीलिंग बहुत ही प्यारी। और इसका जो एरिया का साइज़ होने वाला है 12x11 का। और दोस्तों आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप चाहें तो इस एरिया को भी आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन करके, तो आपका ये 4 BHK भी बन सकता है क्योंकि इसमें आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, ये आपको वॉशरूम जो आपके गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इस बेडरूम, अगर इसको बेडरूम बना लेते हैं और ये वॉशरूम आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको 4 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों मेरे को ये इनका आइडिया लगा, इनका
लेआउट मेरे को अच्छा लगा, इनकी प्लानिंग अच्छी लगी। देखिए बहुत प्यारी फॉल्स नहीं होगी इसमें आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको अगेन बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा दोस्तों लिविंग एरिया। चलिए चलता हूँ आपको हमारे फर्स्ट बेडरूम में लेके, जो आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट बेडरूम है दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। और देखिए सनलाइट कितनी प्यारी आ रही है, क्योंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी है, कॉर्नर इन्वर्टर भी अवेलेबल है। और ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसका जो साइज होने वाला है वो है 10x11 का। और जितने भी दोस्तों आपके बेडरूम्स हैं, आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग करके दी जा रही है, और ये आपकी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। इसमें भी आपको बहुत प्यारी दोस्तों डाउन सीलिंग विद एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, और इस बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। वॉल हैंड सीट मिल जाती है आपको। और अगेन दोस्तों इस वॉशरूम का जो साइज होने वाला है वो है 7x5 का। रूफ हाइट तक आपको टाइल मिल जाती है, सीलिंग आपको वॉशरूम में भी मिल जाती है, विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है, और आपको जितनी भी फिटिंग है पेरीवेयर ब्रांड की मिलती है। वॉल हैंग सीट मिल जाती है, एंटीस की टाइल मिल जाती है आपको वॉशरूम में। और दोस्तों डार्क के साथ आपको कॉम्बिनेशन बना के दिया जा रहा है। बड़ी टाइल्स हैं 4x2 की, तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, एक लग्जरी फील आती है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम और पहला वॉशरूम। और यहाँ से देखिए आप पूरे बेडरूम के व्यू, ये आपको मिल जाते हैं आपके बेडरूम के कबर्ड्स। रूफ हाइट तक कबर्ड है, तो दोस्तों स्टोरेज का कोई भी इशू नहीं होने वाला। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको रूफ हाइट तक ऐसे कबर्ड मिल जाते हैं। और अगेन दोस्तों जितने भी सारे आपके कबर्ड्स हैं सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ हैं। नीचे आपको रैक मिल जाते हैं आपके शूज रखने के लिए। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। और सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको ये वॉशरूम दिखा देता हूँ, जो आप इसको एज ए पॉड रूम भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके गेस्ट आए वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वॉशरूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 9.6x5 का। इसमें भी दोस्तों आपको पेरीवेयर की ब्रांडेड सारी सैनिटरी वेयर, सारी सैनिटरी फिटिंग मिलने वाली है। और जितना भी दोस्तों सब कुछ है इसमें, सब कुछ ब्रांडेड है। तो इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लोजर लुक से। ये देखिए पेरीवेयर सैनिटरी फिटिंग भी आपकी पेरीवेयर की है। जितने भी दोस्तों मिक्सचर है, शावर है, सब कुछ पेरीवेयर का है। और ये आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, सीलिंग आपको एज इट इज मिलेगी, और आपको लग्जरी दोस्तों फील आने के लिए इसमें बड़ी बड़ी टाइल्स 4x2 की लगा के दी जाएंगी। तो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम, और ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। और सेकेंड बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 14x11 का। तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छे साइज का बेडरूम। ये देखिए इसमें डाउन सीलिंग आपको एलईडी लाइट्स के साथ एज इट इज मिल जाएगी। और ये आपको इसमें कबर्ड मिल जाते हैं रूफ हाइट तक। और ये बहुत बड़ी आपको दोस्तों यूपीवीसी की बहुत बड़ी मिलती है विंडो वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से आपको व्यू भी आएगा, और यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सामने पार्क का व्यू नज़र आएगा। और ये सामने दोस्तों हमारा चंडीगढ़ मनाली हाईवे, जिसको हम चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे बोलते हैं, बिल्कुल दोस्तों हाईवे पे लोकेटेड है। तो बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत इन्वेंट्री दोस्तों होती हैं जो अभी आपको रेडी टू मूव नहीं मिलती। ये एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको रेडी टू मूव मिलने वाला है। अभी मैं आपको ये बाहर से बालकनी दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं इसका वॉशरूम। और वॉशरूम दोस्तों इसका अगेन वही पैटर्न फॉलो करा गया है, सारी फिटिंग, सारा सैनिटरी वेयर आपको पेरीवेयर का, फॉल सीलिंग आपको वॉशरूम में भी मिल जाती है। और जितना भी दोस्तों इसमें आपका मटेरियल है सारा पेरीवेयर ब्रांड का, एंटीस की टाइल्स है, और इसका जो साइज है वो है 7x5 का। तो ये था हमारा इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली बालकनी आपको मिलती है एक बहुत बड़े साइज की। तो ये हमारा यूपीवीसी। चलिए आगे हम बाहर। तो ये देखिए, ये आपको बहुत बड़ी बालकनी मिलती है, और यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल जाता है, आपको टैप का पॉइंट दिया गया है, आप अपनी यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। और इस बालकनी का जो साइज होने वाला है वो है 32x3.6 का। बहुत बड़ी बालकनी, बिल्कुल दोस्तों ये आपका कॉर्नर इन्वेंट्री है, तो पार्क आपको बिल्कुल पास है,
और ये आप देख रहे हैं चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे, जिसको हम चंडीगढ़ मनाली हाईवे बोलते हैं। और बिल्कुल दोस्तों आपका ये ग्रेटर मोहाली में प्रॉपर्टी पड़ती है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विज़िट प्लान करें। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, और ये हमारा सेकेंड बेडरूम। तो ये मैं एक्चुअल दोस्तों आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ जो आपको मिलने वाला है। तो यहीं से हमारी एंट्री है हमारे थर्ड बेडरूम की। तो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 10x14 का। स्प्लिट एसी की प्रिजनिंग आपको हर जगह मिलती है, और डाउन सीलिंग फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलती है एलईडी लाइट्स के साथ। और इस रूम के साथ भी आपको यूपीवीसी, बहुत बड़ा यूपीवीसी मिलता है, जहाँ से आपके दोस्तों सनलाइट, आपको वेंटिलेशन, सारा कुछ आपका बना रहता है। और इस रूम में भी आपको कबर्ड मिल जाते हैं रूफ हाइट तक। मैं आपको कबर्ड एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसके साथ वही बालकनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, और ये आपको सामने हाईवे। और ये दोस्तों इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेडी टू मूव है, आपको हाईवे लोकेशन पे मिलती है। तो आप इसको ज़रूर चेक करें, इसको विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विज़िट प्लान करें। तो ये इसके कबर्ड मिल जाते हैं आपको रूफ हाइट तक। तो ये देखा दोस्तों आपने हमारा बहुत ही प्यारा बना हुआ 3BHK प्रॉपर्टी आपको जो मिलने वाली है चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे। रेट इसके बहुत ही अग्रेसिव होने वाले हैं। सारी डिटेल दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप जरूर चेक करें। वहां पे मैं इसके दोस्तों फ्लोर वाइज प्राइस मेंशन कर दूंगा, साइजिंग मेंशन कर दूंगा, लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही दोस्तों बड़ा फ्लैट। आप इसको 4BHK बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।